आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय पुष्कर रोड में भारतीय आयुर्वेद के जरिए स्वर्ण प्राशन सरकार की दवा पिलाई जा रही है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके। स्कूल के प्राध्यापक ने बताया कि इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और यह पूरी तरह स्वास्थ्यवर्धक है। आज से वर्षों पहले इस दवा को आयुर्वेदिक विभाग की ओर से 0 से 16 वर्ष तक के विद्यार्थियों को पिलाया जाता था, जिससे कि वह स्वस्थ रहते हुए किसी भी रोग से लड़ सकें। ऐसी दवा को अब एक बार फिर से शुरू किया गया है और विद्या भारती स्कूल के माध्यम से इसे पिलाया जा रहा है। विद्या भारती संस्थान के तत्वावधान में भारतीय संस्कृति की जो संपूर्ण प्राचीन वैज्ञानिक परंपराएं हैं, उनको वापस एक बार संपूर्ण समाज में पुनर्जीवित पुनर्स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। उसी क्रम में अपने भारतीय आयुर्वेद जो चिकित्सा शास्त्र है, उसके अनुसार 0 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, उनको प्रत्येक भारतीय माह का जो पुष्य नक्षत्र होता है, उस पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन संस्कार के नाम पर ये एक औषधि, आयुर्वेदिक औषधि का पान करवाया जाता है। कुछ निर्धारित मात्रा में ये बूंदें प्रत्येक पुष्य नक्षत्र को बालक के भीतर जानी चाहिए, ऐसा एक आयुर्वेदिक संस्कार का कार्यक्रम है। ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन की एक विधि है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काम आती है। तो बल, बुद्धि, तेज बालक का बढ़े, इन सब कामों पर ये सब काम इस एक आयुर्वेदिक इस संस्कार से वह संपन्न होता है। और इसलिए समाज में एक बार वापस इसके बारे में जागरूकता हो, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी कोरोना का काल है, जिसकी इम्यूनाइजेशन की जो ताकत है वो ज़्यादा है, जिसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है, वह सब प्रकार की बीमारियों से लड़ पाने में सक्षम है। इसी उद्देश्य से बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए ये स्वर्ण प्राशन संस्कार का कार्यक्रम अपने पिछले वर्ष से आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक पुष्कर मार्ग में प्रारंभ किया था, वैसे विद्या भारती के सभी विद्यालयों में ये होता है। ये कार्यक्रम आज अपन ने यहाँ संपन्न किया है। भूपेंद्र उबाना, प्रधानाचार्य, आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक पुष्कर मार्ग। ये स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम था और ये पिछले माह से चालू किया था, जो ये दूसरा माह है और ये हर माह पुष्प नक्षत्र में पिलाया जाता है, जो विद्या भारती संस्थान के द्वारा हमने भी ये चालू किया है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य है कि वो छोटे बच्चों के जैसे बल, छोटे बच्चों को का बल वर्धक और बुद्धि बढ़ती है, सो पाचन तंत्र अच्छा रहता है और इम्यूनिटी पावर भी इससे बढ़ती है। क्या रहता है इसके अंदर? इसके अंदर घी, गो घी, शहद, शंख पुष्प और अष्टगंधक, ये सब रहता है। स्वर्ण प्राशन बच्चों के अलावा कौन कौन पी सकता है? ये 0 से 16 वर्ष तक के भैया बहन को पिलाते हैं। आपका नाम? पिंकी प्रजापति।